सेना का कहना है पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर विश्वास कतई नहीं किया जा सकता। आज से ठीक 20 साल पहले इन वीर योद्धाओं ने इसी तोलोलिंग की पहाड़ी से पाकिस्तानी सिपाहियों को हटा दिया था। हमारे अंदर जोश और जुनून और जज्बा था कि हमारे को किसी न किसी प्रकार से तोलोलिंग पर कब्जा करना है। उस डिफिकल्टी लेवल को मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कितना मुश्किल रहा होगा उस समय 20 साल पहले इंडियन आर्मी के लिए, मेरी बटालियन के लिए, भारत देश को कारगिल युद्ध की पहली विजय दिलाई। आज हम उन तमाम वीरों को याद करते हैं, उन तमाम साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए वीर गति को प्राप्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और हम लोग इस समय 15,300 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग की पहाड़ी पर हैं और ठीक मेरे पीछे ये हैं बहुत ही बहादुर योद्धा राजपूताना राइफल्स की सेकंड बटालियन के। आज से ठीक 20 साल पहले इन वीर योद्धाओं ने इसी तोलोलिंग की पहाड़ी से पाकिस्तानी सिपाहियों को हटा दिया था। बोल राजा रामचंद्र की जय के युद्ध घोष के साथ इन्होंने पाकिस्तानियों को यहां से धकेल दिया था। कई वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज ये युवा वीर एक बार फिर उसी कर्म भूमि पर आए हैं। हिंदुस्तानी जवानों का वो बांकापन कैसा था, हिंदुस्तानी जाबाजों की वो वीरता कैसी थी, हिंदुस्तानी सपूतों ने 20 साल पहले वो युद्ध कैसे लड़ा था जिसके आगे पाकिस्तानी साजिशें खाक में मिल गई थी। 20 साल पहले के उस हर पल को जीने के लिए, महसूस करने के लिए राजपूताना राइफल्स की सेकंड बटालियन के योद्धा द्रास की पहाड़ियों पर इकट्ठा हुए तोलोलिंग पीक की चढ़ाई के लिए। इस वक्त भी होठों पर जोश का वही उद्घोष था जिसने कारगिल में भारत की विजय का इतिहास रच दिया। राजा रामचंद्र की जय, पतंग बुली की जय, पतंग बुली की जय, वाणी माता की जय। 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई लंबी चली थी लेकिन तोलोलिंग विजय इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। तोलोलिंग की जीत से जोश और जुनून का ऐसा सैलाब उठा जिसमें पाकिस्तान तिनके की तरह बह गया। तोलोलिंग पर जब हमारे जवान चढ़े तो हम भी उनके साथी थे। करगिल युद्ध को मिशन इम्पॉसिबल कहा गया था। पाकिस्तानी सेना के घुसपैठिए द्रास, बटालिक, काक्सर और मशको घाटी सेक्टर में 150 किलोमीटर लंबी सरहदों में 10 से 15 किलोमीटर तक अंदर घुसाए थे। तोलोलिंग वो फीचर था जिसने बाकी सारी विक्ट्रीज के लिए एक फॉर्म बेस बनाया, तो मुझे बहुत गर्व है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इस टीम को लीड करके वापस उस जगह पे आऊँ जहाँ मेरे वॉर हीरोज़ ने अपनी जान की आहूति देके हमें इस फीचर को वापस दिलाया और दुश्मनों को यहाँ से खदेड़ दिया। भारतीय सेना ने वीर सपूतों को सरहदों पर मौजूद पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ फेंकने का फैसला किया। 20 साल पहले सूबेदार सुरेंद्र सिंह इस युद्ध का हिस्सा थे। कितना कठिन था, कैसे चढ़ाई की अपने? रास्ता बहुत मुश्किल था, ट्रेन बहुत मुश्किल था, मौसम बहुत खराब था और साथ में ठंड भी थी। चढ़ते टाइम बहुत ज्यादा मुश्किलें हुई पर हम मुश्किलों को नकारा करते हुए और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए फिर भी हम तोलोलिंग पर चढ़े। और दुश्मन ऊपर से फायरिंग भी कर रहा था, ग्रेनेड भी मार रहा था? जी, दुश्मन लगातार ग्रेनेड फेंक रहा था। बीते 20 सालों में करगिल के जिक्र के साथ न जाने कितनी बार अमर बलिदानी मेजर विवेक गुप्ता, मेजर राजेश सिंह अधिकारी और लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन की कहानियों ने हमारे खून को देशभक्ति की ऊर्जा दी।
लेकिन यह पहला मौका था इन बर्फीली पहाड़ियों को पास से देखने का, चट्टानों और बंकर्स को छूने का, जहां लड़ते लड़ते हमारे वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। तोलोलिंग के ऑपरेशन में दुश्मन आप पर पत्थर भी लुढ़का रहा था, फिर भी चढ़ रहे थे। जनून था, नया जोश था और तोलोलिंग पर कारगिल की लड़ाई को फतेह हासिल करना था। और ग्रेनेड आए, ग्रेनेड आए, गोली आए, फिर भी हमें आगे बढ़ना था क्योंकि हमारा मकसद यही क्या था कि तोलोलिंग पर कब्जा करना। जून 1999 की वो स्याह और बर्फीली रात थी जब एक साथ बोफोर्स की 100 से ज्यादा तोपें दहाड़ उठी थी। इस दहाड़ ने पाकिस्तान के हौसलों पर सबसे पहला और करारा प्रहार किया था। आज हम उन तमाम वीरों को याद करते हैं जिन्होंने के ऑपरेशन विजय के दौरान बहुत ही बहादुरी और दिलेरी दिखाते हुए इन बहुत ही कठिन पहाड़ियों के ऊपर कब्जा किया। 15,300 फुट की ऊंचाई के ऊपर हम अभी खड़े हैं और इसके ऊपर दुश्मन ने आकर अपनी चौकियां बनाई हुई थी। इधर से दुश्मन नेशनल हाईवे जो कि तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर इधर से है उसको वो देख सकता था और उसके ऊपर भारी तादाद में फायर ला सकता था, तो इसलिए बहुत आवश्यक था कि हम दुश्मन को इस इलाके से निकाल सकें। बलिदान से विजय का रास्ता निकला। तोलोलिंग विजय ने विश्वास भरा कि पाकिस्तान की पराजय अब तय है। बलिदानियों के रक्त की एक एक बूंद ने जवानों में जीत के लिए जोश भर दिया। इसी जोश और जुनून से एक और नायक का जन्म हुआ, नाम कैप्टन विक्रम बत्रा, पॉइंट 5140 के जीत के नायक विक्रम बत्रा, पॉइंट 4875 विजय के महानायक विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा। My company's success in the law, ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. वो जब उन्होंने वहाँ पर कैप्चर किया था 5140, तो उनके कमांडर जो थे जोशी साहब, उन्होंने कहा था कि विक्रम कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ यू फील, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि सर ये दिल मांगे मोर। तो उनका मतलब कहने का ये था कि मैं और चोटियां फतेह करना चाहता हूँ, मेरे जो लड़के हैं वो और आगे जाना चाहते हैं। कारगिल विजय के 20 साल बाद परमवीर शूरवीर कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ ही एक बार फिर पॉइंट 4875 पर जुटे अपने हीरो को उनकी बहादुरी का सलाम भेजने के लिए। 16,087 फीट की ऊंचाई पर 13वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स के जवानों ने ईश्वर और अपने उन साथियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जिनकी हुंकार से पाकिस्तान कांप गया, वो हुंकार जो अब भी हार बनकर पाकिस्तान के कानों में गूंज रही होगी। जय की जय, तीव्र तेरा, तीव्र तेरा, तीव्र तेरा। बीस साल पहले लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी द्रास में अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे, मौजूदा वक्त में वो लेह के कोर कमांडर हैं। 20 साल पहले की हर बात उन्हें अब भी याद है, वो यादें अब भी रगों में लहू बनकर दौड़ती हैं। 20 साल बाद भावनात्मक रूप से भी ये बेहद अहम था। हर सैनिक को हर चुनौती अब भी याद है, हर लम्हा जैसे वो कभी भूले ही नहीं। 4875 is a very very steep, you know, gradient slopes on all sides. Therefore, the approaches were very very limited, which the enemy was also aware of, and he has his machine guns, you know, lined up on those approaches,
which we had to use, you know, to climb up to the top. And therefore, you know, we had a very, very sort of intensive battle on this for 3 days. We launched the attack on the 4th of July, and finally we captured it on the 7th of morning. And, you know, seeing the domination and the way he was holding, it required 2 Panavir chakras, you know, to capture the entire feat. What went through your mind when you saw 4875 yourself? The only feeling what I got when I was up, going up, was that it's a very, very difficult terrain, and I was looking at that. I was still lucky enough to go on a chopper, but when each of the men of the 13 Jackriff, all officers who were here, along with Vikram, they would have climbed. I don't think it was a easy task. And you know, look at the ferocity of the battle what would have fought. The only thing which comes to my mind is the first capture what Vikram did at 5140, and I remember we only heard the radioed message of Ye Dil Maange More. So somewhere I think he also realized that the battle is still not over, and I think the task is yet to be completed and finished. Doctor ke bare mein ye kehte hain, they say that about a doctor is, if there's a doctor there, soldiers are very, very sure that they will survive. Jo wahan pe actual fight kar rahe hain, unki seva aur unko bacha ke, agar main wahi pe treatment karke phir se wo ladai karna chahta hai, aur bahut sare mere jawan bolte the mujhe patti bandho, maine phir se jana hai aage, to unki seva karne ka jo mujhe saubhagya prapt hua. Even aaj jab 4875 ki taraf hum jaate hain to emotional itne high isliye ho jate ki each and every second yaad aata hai. जंग के लिहाज से करगिल की लड़ाई मुश्किल थी, लेकिन उसका एक पहलू यह भी था कि दुश्मन क्रूर और निर्मम था। 20 साल पहले पाकिस्तानी सेना का यह बदसूरत चेहरा भी सबके सामने आ गया था। कैप्टन सौरव कालिया और उसके साथियों को पाकिस्तानी सेना के कायरों ने काकसर क्षेत्र में पेट्रोलिंग के वक्त कब्जे में लिया और यातनाएं देकर उनकी हत्या कर दी। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जाट रेजिमेंट के 5 जवान पाकिस्तानी क्रूरता का शिकार बने। युद्ध के अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाई पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी। उसने भारतीय जवानों को यातना देते वक्त उनकी आंखें निकाल ली, कान के पर्दे फाड़ दिए, होंठ काट लिए, खोपड़ी और दांतों तक को तोड़ दिया। इसके बाद भी पाकिस्तान को रत्ती भर शर्म नहीं आई। उसके बुजदिल सैनिक उन्मादी पाकिस्तानी भीड़ के सामने अपनी क्रूरता को वीरता का जामा पहनाते हैं। वो शिकार करने के लिए आए थे और खुद शिकार हो गए। 20 साल बाद विजय की शुभ घड़ी में ये भी याद करने का दिन है कि कैसे 155 मिलीमीटर बोफोर्स की तोपों ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। यकीनन आज भी पाकिस्तानी सिपाहियों को सोते हुए अगर करगिल के वो मंजर याद आते होंगे तो पाकिस्तानी सिपाही एक बार फिर घबरा जाते होंगे। उन्हें याद आता होगा कि कैसे हिंदुस्तानी तोपों ने तोलोलिंग से लेकर टाइगर हिल तक, मशको घाटी में 0.4875 से लेकर बटाले की खालूबार की चोटी तक पाकिस्तानी मोर्चों के परखच्चे उड़ा दिए थे। पूरी जंग के दौरान 2,50,000 गोले और रॉकेट फायर किए गए, 9,000 तोप के गोले तो टाइगर हिल पर दागे गए, 100 तोपों ने एक साथ 5,000 राउंड फायर किए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दूसरा तोपखाने का सबसे बड़ा प्रहार था। In the beginning of that war, I'm talking of before 1st of June, we did not use heavy weapons against them. We started using heavy weapons against them only toward the end of May. And then, of course, because we treated them as regular troops, which they were from Pakistan. साल पहले हुई इस जंग में 100 तोपों को एक साथ इस्तेमाल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि दुश्मन को मौका भी ना मिल सके सिर उठा पाने का, और इसी बीच भारतीय जवान चोटियों पर चढ़ाई कर सके। तोपों के कवर फायर के बीच भारतीय जवानों को चट्टानों पर चढ़ना था। पाकिस्तान
भौचक्का रह गया। हिंदुस्तान की इस आक्रामकता को देखकर पाकिस्तानी सिपाहियों के हाथ पैर फूल गए। पाकिस्तान संभवतः आज भी उस हमले को याद करके सिहर उठता है। इस पूरी जंग में तोपों की भूमिका अहम थी और यह बात खुद पाकिस्तान ने मानी कि 155 मिलीमीटर हाउइट्जर्स ने बाजी पलट दी।